हेलो दोस्तों, एजुकेशन कड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के एट स्कूल पार्ट का बचा हुआ पार्ट। लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन एट स्कूल। आइए एट स्कूल पार्ट का बचा हुआ पार्ट पढ़ते हैं। देर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले। इसी प्रकार की घटना और है जो अनदर यानी दूसरे नाटक से संबंधित है। इंसिडेंट यानी घटना, सिमिलर यानी समान, कनेक्ट यानी जुड़ा हुआ होना। जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी अ प्ले परफॉर्म्ड बाई अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी। जस्ट अबाउट दिस टाइम, इसी समय आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन, यानी मैंने प्राप्त किया, सिक्योर किया, सुरक्षित किया, यानी यहां पर मैंने लिया माई फादर्स परमिशन। फादर्स यानी यहां पर एपोस्ट्रोफीस लगा हुआ, देख रहे हैं ना, ये एपोस्ट्रोफीस है। फादर्स परमिशन यानी पिता का परमिशन मैंने लिया। क्यों लिया भाई? टू सी अ प्ले परफॉर्म्ड बाई अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, प्ले देखने के लिए, नाटक देखने के लिए। सी यानी देखना, प्ले यानी नाटक, प्ले यानी खेलना भी होता है। परफॉर्म्ड जो कि किया जाने वाला था बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, एक निश्चित कंपनी के द्वारा, ड्रामेटिक कंपनी, नाटक कंपनी के द्वारा प्ले किया जाने वाला था, उसको मैंने देखने के लिए अनुमति लिया। दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। और ये जो नाटक थी हरिश्चंद्र, इसने क्या किया? कैप्चर्ड माई हार्ट यानी मेरे दिल को झकझोर दिया, मेरे दिल में कब्जा कर लिया, यानी मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, और आई कुड नेवर बी टायर्ड, मैं कभी भी नहीं थका। टायर का मतलब होता है थकना, टायर्ड यानी थका, मैं कभी भी नहीं थका। नेवर कुड बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, इसको देखने देखते देखते मैं कभी नहीं थका। बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन मुझको कितनी बार जो है इसको देखने के लिए परमिशन मिलती। आई हॉन्टेड इट, सॉरी, इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम। इट हॉन्टेड यानी यह, इसने क्या कर लिया था भाई? कब्जा कर लिया था। हॉन्टेड मी यानी मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड, हरिश्चंद्र का किरदार जो है उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने एक्ट भी किया, अभिनय भी किया हरिश्चंद्र का, टू माई सेल्फ सेवरल टाइम, कई बार। वाई शुड नॉट ऑल पीपल ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। और उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न करते हैं अपने आप से, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल, क्यों जो है सभी लोग ट्रूथफुल, सच क्यों नहीं हो जाते भाई? लाइक हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार सच्चाई का साथ दिया, सत्य के पथ पर उन्होंने कदम बढ़ाया, वैसे ही सब लोग क्यों नहीं हो जाते? वॉज द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ डे एंड नाइट। और यही क्वेश्चन जो है वह आस्क करते थे, आस्क्ड, आस्क ने पूछना, पूछते थे माई सेल्फ यानी अपने आप से, डे एंड नाइट, दिन रात पूछते थे, विचार करते थे, क्यों लोग जो है नहीं अपनाते हैं। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज वन आइडियल विच इंस्पायर्ड इन मी। वो कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने क्या किया? सत्य का पालन करना और सभी कठिन परीक्षण में होकर निकलता एक आदर्श था जिसने मुझको बहुत क्या किया भाई, प्रेरित किया, इंस्पायर्ड मी। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। मैं जो है पूरी सच्चाई के साथ, बिलीव यानी विश्वास करना, बिलीव्ड, मैं विश्वास करता था हरिश्चंद्र की स्टोरी पर। सत्य घटना है, सत्य कथा है। The thought of it all too often made me
वीप, और द थॉट ऑफ इट, इसका जो विचार है ये जो है मुझको क्या कर देता था, टू ऑफन यानी अक्सर मेड मी वीप, यानी मुझको रुला दिया करता है। माय कॉमन सेंस मेड मी वीप, रुला दिया करता था। माय कॉमन सेंस टेल्स मी टुडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। गांधी जी कहते हैं कि माय कॉमन सेंस, मेरे साधारण बुद्धि में यह मुझको क्या कहता है, टेल्स मी टुडे, यह कहता है आज, दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, ऐतिहासिक आदमी नहीं है, बट फॉर मी, मेरे लिए, परंतु मेरे लिए क्या है, बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार आर लिविंग रियलिटीज, दोनों के दोनों आज भी जिंदा हैं, मेरे लिए आज भी, मैं मानता हूं कि हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार आज भी जिंदा है, उनके आदर्श आज भी जिंदा है और हमको आज भी उनको अपनाना चाहिए। एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इट आई वर टू रीड अगेन दोस प्लेज टूडे। तो कहते हैं कि आई एम श्योर, मैं एकदम निश्चिंत हूं कि यदि मुझको फिर से इसको पढ़ने को मिले तो आई शुड बी टच्ड, मैं फिर से जो है उतना ही टच्ड होऊंगा, एज बिफोर इफ आई वर रीड अगेन, जैसे मैं पहली बार जैसे मैंने इस नाटक को पढ़ा था और मैं प्रेरित हुआ था, उत्साहित हुआ था, उसी प्रकार आज भी यदि मैं इसको पढ़ता हूं तो आज भी प्रेरित होऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की स्टोरी आपको बता देता हूं। श्रवण कुमार ने क्या किया, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे, तो उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर पैदल जो है पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा कराने की ठानी और वो करा रहे थे। इसी बीच जो है राजा दशरथ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता थे, उनके बाणों से वो जो है जब उनके अपने माता पिता के लिए पानी लाने जाते हैं नदी में, तो घड़ा भरते हैं तो आवाज़ आती है, उसको राजा दशरथ जो है शेर की आवाज़ समझ लेते हैं और तीर चला देते हैं। इस प्रकार श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त सेवक थे, पदयात्रा और दोनों को कांवड़ में अपने कंधों में लेकर जो है यात्रा उन्होंने कराया। दूसरे जो कैरेक्टर हैं हरिश्चंद्र, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, ये भी जो है भगवान राम के ही पूर्वज हैं। इनकी एक बार परीक्षा जो है एक साधु ने ली, इनसे सभी राज्य जो इनके अंतर्गत आता था, राजपाट सभी जो है मांगा गया साधु के द्वारा, तो राजा हरिश्चंद्र जो है सब कुछ उस साधु को दे देते हैं। इसके बाद साधु ने इतने में भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, या वो एक प्रकार से परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने और भी क्या मांगा, दक्षिणा मांगी। तो दक्षिणा देने के लिए इस हरिश्चंद्र राजा ने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को क्या कर दिया, बेच दिया, खुद बेच दिए और एक चांडाल के रूप में शमशान घाट में काम करने लगे। उनके उनकी पत्नी और बच्चे तो बिक चुके थे, वो दूसरी जगह थे, ये दूसरी जगह। तो समय बीतते गया और एक दिन ऐसा आया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद की पत्नी आती है, तो उनसे वो टैक्स मांगते हैं, कर मांगते हैं, और कर देने के लिए पैसा नहीं होता है। तो क्या है कि आजकल हम लोग, अरे ये तो हमारा आदमी है करके हम काम करवा देते हैं। सत्ता में जो लोग रहते हैं, जो लोग, जिन लोगों के पास थोड़े बहुत अधिकार होते हैं, तो इन अधिकारों का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और जहां अपना आदमी देखते हैं तो नियम को ताक में रखकर उनको लाभ देने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो जानते थे कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य का पूरी लगन के साथ, सच्चाई के साथ पालन किया और उनको जो है वहां पर दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं दी। इसी प्रकार एक और घटना
घटी है जिसमें हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी पर वार करना पड़ता है, तब भी वो अपनी आंख मूंद कर जो है उन पर वार कर देते हैं, यानी अपने कर्तव्य से कभी भी वो विमुख नहीं हुए। वो सब जो है परीक्षा ले रहे थे, तो सब परीक्षाओं में जो है वो सफल होते हैं। तो गांधी जी को ये दोनों कैरेक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभावित किया। गांधी जी को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रपिता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और उनके आदर्श कौन है? हरिश्चंद्र हैं, श्रवण कुमार हैं। और श्रवण कुमार मातृपितृ भक्त अपने अपने कंधों पर जो है एक तरफ अपने माता को एक तरफ अपने पिता को बिठाकर उनको क्या किया, धार्मिक यात्रा उन्होंने कराई और एक ने सच्चाई का पालन किया। और आजकल क्या होता है, आजकल बच्चों को हम पानी मंगा रहे हैं या कुछ काम करने को कह रहे हैं तब भी नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्योंकि हम हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता आदर्शों को हम भूल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि हम हमारे जितने भी पुराने महान लोग हुए हैं उनके बारे में पढ़ें, सुनें और अपनाएं। छोटी छोटी बातें जो हमारे माता पिता बताते हैं, दादी दादा बताते हैं, उनको अक्षरशः पालन करें। माता पिता भाई बहन की बातों को मानना, उनको इज्जत देना। माता पिता ही नहीं, हमसे जो बुजुर्ग हैं बड़े हैं उनका भी सम्मान करना। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति क्या बनता है? महान बनता है। तो आप सब भी जो है इन सब बातों पर ध्यान दें और एक अच्छा नागरिक बने जिससे हमारे समाज को अच्छा व्यक्ति मिले। आइए देखते हैं आगे। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। गांधी जी बताते हैं कि एक और ऐसा ही घटना है, व्हेन आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, जब मैं 7th कक्षा में था, 7वीं कक्षा में था। दोराबजी इदुल जी जिमी वॉज द हेडमास्टर देन। तब जो है दोराबजी इदुल जी जो क्या क्या थे, प्रधान अध्यापक थे, प्रधान पाठक थे। ही वॉज पॉपुलर एमंग द बॉयज दो ही वॉज नॉट डिसिप्लिनेरियन। वो बहुत क्या थे, पॉपुलर थे, पॉपुलर यानी फेमस थे, प्रसिद्ध थे एमंग द बॉयज, लड़कों के बीच में। दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, क्योंकि वो अनुशासन प्रिय थे। ही वॉज अ मैन ऑफ मैथड, मैन ऑफ मैथड यानी सिद्धांतवादी भी थे एंड अ गुड टीचर, बहुत जो है अच्छे टीचर थे, शिक्षक थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या किया, ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट, क्रिकेट और व्यायाम को कंपल्सरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, फॉरेन के लिए, ऑफ अपर स्टैंडर्ड जो उच्च कक्षा के बच्चे थे उनके लिए। आई डिसलाइक्ड बोथ, लेकिन मैं क्या करता था भाई, डिसलाइक्ड करता था, पसंद नहीं करता था बोथ यानी दोनों को। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। वो बताते हैं कि मैंने कभी भी टुक पार्ट नहीं किया, टुक पार्ट यानी टेक पार्ट, टेक पार्ट का मतलब होता है लेना, टुक पार्ट यानी लिया। मैंने कभी भी टेक पार्ट, टुक पार्ट नहीं किया, यानी भाग नहीं लिया एक्सरसाइज में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, इस प्रकार के चीज़ों में मैंने कभी भी भाग नहीं लिया था। बिफोर देवर मेड कंपल्सरी, जब तक उसको कंपल्सरी अनिवार्य नहीं किया गया था तब तक मैंने कभी भाग नहीं लिया। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस अलूफनेस। वो बताते हैं कि जो शाइनेस थी मेरे में, शर्मिलापन जो था, वो जो है एक कारण था, रीजन था फॉर दिस अलूफनेस, इस अलगाव का, विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो मुझको नाउ यानी अब क्या लगता है, रॉन्ग लगता है ना, मैं गलत था कि भाई एक्सरसाइज का उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई लिखाई का महत्व है। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। गांधी जी बोलते हैं कि उस समय मैं क्या सोचता था, फॉल्स नोशन था, मेरे मन में गलत धारणा थी दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। उस समय मैं सोचता था कि भाई ये जिम्नास्टिक विम्नास्टिक जो है हमारे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच
प्लेस इन द करिकुलम एज अ मेंटल ट्रेनिंग टूडे. लेकिन आज जो है आई नो, मैं जानता हूँ दैट फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण शुड हैव एज मच प्लेस, उतना ही जो है स्थान है इन द करिकुलम पाठ्यक्रम में एज मेंटल ट्रेनिंग, जितना कि जो है मानसिक प्रशिक्षण का है उतना ही जो है शारीरिक प्रशिक्षण का भी बहुत बहुत जो है महत्व है. यानी खेलकूद का भी जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत महत्व है. कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करना है करके कुछ भी नहीं करते, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हमको दोनों को लेके चलना है. बट दो आई वॉज नन ऑफ द वर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, आई एम स्टील पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट. बट दो आई वॉज नन ऑफ द वर्स, लेकिन यह बात यद्यपि मेरे लिए अच्छी नहीं थी जो कि मैंने व्यायाम की अवहेलना की थी, नेग्लेक्ट किया था, नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, और इसके कारण क्या हुआ, आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी. इसके कारण मुझको आज भी पे यानी होता है भुगतान करना, आज भी मुझको क्या करना पड़ रहा है, पेनाल्टी, जुर्माना पटाना पड़ रहा है ऑफ अनदर नेग्लेक्ट. इस प्रकार की जो मैंने उपेक्षाएं की थी उसका आज भी मैं क्या कर रहा हूं, दंड चुकाते आ रहा हूं. I do not know from where I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. बताते हैं कि I do not know, मैं नहीं जानता. From where, कहां से I got a notion that good handwriting was not necessary part of education. वो क्या समझते थे कि भाई उनकी धारणा ऐसी बन गई थी कि good handwriting की जरूरत नहीं है, अच्छे लेखन कौशल की भी जरूरत नहीं है. नेसेसरी यानी आवश्यक होना पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी अच्छी हैंड राइटिंग हमारे एजुकेशन का मुख्य भाग है, ये जरूरी नहीं है मानते थे. बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड. बताते हैं कि आई रिटेन्ड, मैं मानता था, क्या मानता था भाई, अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया था. I then saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. जब वो वहाँ गए, हैंड राइटिंग दूसरों की देखी उन्होंने, तब वो मानने लगे कि भाई इसको क्या मानना चाहिए, bad handwriting को a sign of an imperfect education, अपूर्ण शिक्षा जो है हम मानेंगे यदि आपका हस्तलेखन जो है अच्छा नहीं है. लेट एवरी यंग मैन एंड वुमन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. प्रत्येक लेट एवरी यंग मैन एंड वुमन, प्रत्येक नव युवक एवं युवतियों को अंडरस्टैंड यानी समझना चाहिए दैट गुड हैंड राइटिंग इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. शिक्षा का जो है हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा महत्व है, हस्तलेखन जो है एक आवश्यक अंग है. तो इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है. और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.